का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSE ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों बात करेंगे हम CTET 2023 एग्जाम के बारे में। दोस्तों आंसर की जारी कर दी गई है आपकी CTET का जिनने एग्जाम दिया था उसके, ये बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, उसके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। CTET की आपकी आंसर की आ चुकी है, तो आपको बताया जाएगा कैसे आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। और जिस बच्चे का क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से ठीक है पर वो गलत कर दिया गया है उनकी तरफ से, तो आप उसमें कैसे चैलेंज कर सकते हैं, मतलब कि सबमिट कैसे करेंगे चैलेंज अपनी आंसर की, तो आपको सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा A to Z। दोस्तों अब बस वीडियो बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करिए, जब भी आपको पता चल पाएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई फ्रेंड और दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, घंटे का निशान, उससे क्या होएगा जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, अगर आप बेल आइकन घंटे का बटन आपको दबा देते हो। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे आप अपना CTET के आंसर की चेक करेंगे दोस्तों, जिस बच्चे ने एग्जाम दिया था CTET का। तो दोस्तों सरकार रिजल्ट की वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, नीचे आओगे, नीचे आने बाद एक आंसर की का फोल्डर मिलता है, इसके नीचे लिख रहा है CTET 2023 आंसर की, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो इसका एग्जाम हुआ था दोस्तों पेपर स्टार्टिंग हुए थे अप्रैल में, 23/4/2023 से लेकर 26/3/2023 तक आपके ये फॉर्म भरे गए थे। कनेक्शन की डेट आपकी 29 मई से 2 जून के बीच में थी, और जो इसका एग्जाम हुआ है वो 20 अगस्त में हुआ था। 20 अगस्त में एग्जाम सीट आपका 1/8/2023 में आ चुकी थी। अभी जो आंसर की आपकी जारी कर दी गई है वो 15/9/2023 में आपकी जारी कर दी गई है। ठीक है दोस्तों अब नीचे आना है, नीचे आने बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे डाउनलोड आंसर के क्लिक कर आपको इस पर क्लिक कर देना है। पहले आपको नोटिस कर देता हूँ, डाउनलोड आंसर के नोटिस, इस वजह से आप क्लिक करोगे, इसे डाउनलोड करोगे तो आपका जो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या बोल रखा है, 20 अगस्त 2023 को आयोजित ITI CTET में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवार को OM और उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छाबिया और उत्तर कुंजी वेबसाइट इस पर 15/9/2023 से लेकर 18/9/2023 तक रात 12 बजे तक अपलोड की गई है। मतलब 18 तारीख के 12 बजे के रात के 12 बजे तक आप इसमें जो है अपनी आंसर की देख सकते हैं। उम्मीदवारों को के लिए उत्तर कुंजी की 15/9/2023 से 18/9/2023 रात 12 बजे तक वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिंक के माध्यम से चुनौती देने के प्रावधान है। चुनौती के शुल्क ₹1 1000 क्रेडिट डेबिट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल रखा है, अगर आपका एक बार पेमेंट हो जाता है, पेमेंट आपका कट जाता है तो आपका जो है पेमेंट वापस नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बोल रखा है। उसके बाद आता है दोस्तों नीचे, यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यदि विषय का उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। रिफंड, यदि कोई कोई हो संबंधित क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते से ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। इसकी उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के भुगतान करें। चुनौती पर बोर्ड का निर्णय अंतिम हो और आगे की किसी भी संचार का विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर ये इसका नोटिस है CTET की तरफ से। अगर आपका क्वेश्चन, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है आपका गलत है तो आप यहाँ पर मतलब उसके लिए आप वो डाल सकते हो अपना
अपनी तरफ से उत्तर दे सकते हो। आपको कैसे चेक करना है वो आप अभी समझ लीजिए, आपको मैं बताऊंगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन करना है क्लिक डाउनलोड आंसर की, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ पर आपको रोल नंबर के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद तो आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसे डालनी है जैसे यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, जब आप अपना रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ आप डाल दोगे, लॉगिन करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह का इंटरफेस आने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम रोल नंबर वगैरह दिखा दिया जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है डाउनलोड आंसर की, आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये क्लिक करने बाद ये जो क्वेश्चन आया है आपका डाउनलोड आंसर की का, ये जो क्वेश्चन है आपका उनकी तरफ से यहाँ पे पहला, ठीक है, क्वेश्चन आपका पहला है और यहाँ पे भी आंसर ही पहला है, दूसरा यहाँ पे है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ओएमआर शीट, तो डाउनलोड ओएमआर शीट पर आपको क्लिक करना है और आपका रोल नंबर फिर से डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपके सामने ओएमआर शीट इस तरह का डाउनलोड हो जाएगी, जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन पे यहाँ पे टिक किए थे वो यहाँ पे आप चेक करेंगे। ये यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आप मैच करेंगे अपना, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कराया आपने, जैसे पहला आया तो यहाँ पे आपने जैसे पहला किया है तो यहाँ पे पहला ठीक है, यहाँ पे दूसरा है आंसर आपका, पहला क्वेश्चन आपका दूसरा था बट आपने पहला किया था, यहाँ पे ये दूसरा गलत है, तीसरा किया है, चौथा आपने किया है वो गलत है, पांचवा भी ऐसे दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे आप इनका मिलान करेंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलान करना है दोस्तों अपना क्वेश्चन का, ओ एम आर शीट में आपका दे रखा है, ओ एम आर शीट में आपका 150 क्वेश्चन है, और इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन ही देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से मिलान कर लेना। और दूसरी बात रही अब आपकी ये कि अगर आपका क्वेश्चन आपका गलत है, मतलब आपका ठीक है क्वेश्चन आपने उन्होंने गलत कर रखा है अपनी तरफ से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट सबमिट की एक्सचेंज, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको जो सा भी क्वेश्चन गलत लगता है उसे आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरह से सेव कर देना है जो सा भी आपको लगता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फाइनल चैलेंज सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने बाद दोस्तों फिर से आपको बैक जाना है, और बैक जाने बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैक पेमेंट का, आपका एक क्वेश्चन का 1000 रुपये कटेगा। आपको यहाँ पे पेमेंट आपकी यहाँ पे पेमेंट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है इसकी 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपये फीस है, बाकी आप चेक कर ले सकते हैं अपने आंसर की, मिलान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1000 रुपये रखी गई है एक क्वेश्चन की आपकी। अब दोस्तों आप देख लीजिए आपका क्वेश्चन कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ओ एम आर शीट आप यहां से डाउनलोड कर लीजिए, ओ एम आर शीट आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा दोस्तों, यहां पे नीचे ही। अगर आपने पेपर दो पेपर दिया है तो दो एम आर शीट दिखेगी आपको, अगर आपने एक दिया है तो एक ही आपको दिखेगी। तो यहाँ पे आपको आंसर की भी आपको दो ही मिलेगी क्योंकि आपने दो एग्जाम दिए थे यहाँ पे, अगर आपने एक दिया है तो एक ही आपको दिखा यहाँ पे दिखाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं अपना सीटेट की आंसर की दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है चेक करने में। अगर आप पे डाउनलोड नहीं हो रही है चेक तो आप मेरे से भी करवा सकते हैं, बाकी मैंने दोस्तों प्रोसेस आपको बता ही दिया है कैसे कैसे आपको चेक करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता है ये वीडियो काफ़ी अच्छी काफ़ी पसंद आई होगी आपको, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन सभी विद्यार्थियों के पास जिन्होंने सी टैट का एग्ज़ाम दिया था अगस्त में, उनकी आंसर की जारी हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी मेरा भाई चैनल पर पहली बार आता है उनसे यही कहना चाहता हूँ
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा जैसे आप सब्सक्राइब करोगे और नोटिफिकेशन दबाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।